नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, जय हिंद। आपका दोस्त एंड होस्ट मैं ऋषु कुमार आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे रियल्टी रिसर्च। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस जगह लेकर के आ गया हूं जो कि इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है और जिसको क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ, अगर आप सही समझ पा रहे हैं तो मैं आज हूँ ग्रेटर नोएडा। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के ग्रेटर नोएडा इलाके में मैं हूँ और मैं हूँ एक ऐसे लोकेशन पे जो कि मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल पास है। डेल्टा वन मेट्रो स्टेशन के पास ही एक सेक्टर लगता है 51 सेक्टर। आप लोगों के ही डिमांड पे, जिन्हें विला का शौक है, जिनको जिनका सपना है कि ऐसा घर होना चाहिए जो कि ज़मीन से छत तक हो, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद, बैंक अप्रूवल देखने के बाद, आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट आपको बताने आया हूँ जिसका नाम है एस्कॉन प्राइड विला। आपने बिल्कुल सही सुना और समझा। जी हाँ, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ एस्कॉन प्राइड विला का, जो कि है 51 सेक्टर में। आज इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना लेट किए आइए चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये किस जगह पे है, किस तरीके से आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को और ड्रीम हाउस को ये कम्प्लीट कर सकता है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आपके डिमांड पे आ गया हूँ मैं एक और विला का प्रोजेक्ट दिखाने आपको। आज मैं आ गया हूँ ग्रेटर नोएडा के 51 सेक्टर के पास, जो कि है डेल्टा वन मेट्रो स्टेशन के पास, एंड द प्रोजेक्ट नेम इज एस्कॉन प्राइड विला। तो आज इस प्रोजेक्ट में आज आप एक 3 BHK प्लस 4 टॉयलेट का विला देखेंगे, जो कि सैंपल विला बनाया जा रहा है और ये 2250 स्क्वायर फीट का टोटल साइज होगा। एंड लैंड एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 100 स्क्वायर यार्ड 100 गज का ये प्लॉट एरिया है, जिसकी अगर मैं लेंथ ब्रेथ की बात करूं तो अप्रोक्स 22 फीट का इसका फ्रंट है। सामने आप देख सकते हैं, दिस इज द 22 फीट वाइड फ्रंट। अगर मैं बात करूं तो 46 फीट वाइड ये लेंथ है इसकी। चलते हैं विला के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके की मेजरमेंट है, किस तरीके की स्पेसिफिकेशन से। तो जैसे हम फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर पे ही बैक टू बैक दो गाड़ियों की पार्किंग है, जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस है ये। और यहाँ से हम घर के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको सीलिंग वगैरह के बारे में बताऊं तो ये कम्प्लीटली एक लाइट के साथ एंड मॉडर्न डिज़ाइन के साथ बनाया जा रहा है। आपको एज इट इज़ कंडीशन में ये विला मिलता है। अगर आप डोर की तरफ भी देखें तो डोर भी काफ़ी मॉडर्न वे में नए तरीके के डिज़ाइन के तरह बन रहा है। इसमें भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। कस्टमाइज़ करवाने के कई और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप साइट पे आकर के सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉल सीलिंग देखें तो फॉल सीलिंग पूरे घर पे किया हुआ है। एंड जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारा का सारा कंप्लीट होकर के मिलेगा। ऑल्दो ये अभी कंप्लीशन स्टेज पे है, कुछ काम यहाँ पे इंटीरियर का काम चल रहा है। आई होप 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको हमारा एक और नया वीडियो मिलेगा जिसमें ये विला पूरा तैयार हो चुका होगा, तब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये विला कंप्लीट हो करके आपको हैंडओवर होगा। अभी आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं एक ओपन किचन है, स्पेसियस किचन है। आप देखें तो इस कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन का काम करके आपको हैंडओवर किया जाएगा। कैसे हैं भैया आप? अच्छे हैं, काम करने मजा आ रहा है। कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा ये काम? 15-20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काम कंप्लीट होने के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम देखें तो ये एक टीवी पैनल का काम कंप्लीट होकर के आपको यहाँ पे मिलेगा। और ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले आपको एक पाउडर रूम यहाँ पे मिल जाएगा, उसके साथ में ये आपको एक बेडरूम मिल जाएगा। अगर आप टाइल्स वगैरह का क्वालिटी देखें तो बहुत अच्छा टाइल्स की क्वालिटी यहाँ पे लगाया जा रहा है। आप पीछे देखें, पूरे घर को देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीरियर का काम कंप्लीट होकर के आपको मिलेगा। कोई भी मूवेबल फर्नीचर यहाँ पे नहीं होगा। मूवेबल फर्नीचर के अलावा जितने भी फिटिंग फिक्चर्स आप देख रहे हैं वो एज इट इज़ आपको साइजेस वाइज हैंडओवर होगा। ड्रेसिंग कैबिनेट्स भी बने हुए हैं यहाँ पे और ये आपका वॉशरूम कंप्लीट होगा। आज मैं आपको इनकम्प्लीट विला दिखा रहा हूँ, लेकिन 15-20 दिन के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन डेफिनेटली मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अभी ऐसा काम है तो बनने के बाद ये काम कंप्लीट कैसे होगा। चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके का काम किया हुआ है। दोस्तों, जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा फैमिली लॉन्ज एरिया है, जो कि आपने हमारे दूसरे विलाज के
वीडियो में देखा होगा, फैमिली लॉन्ज एरिया होता है, इसको आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये दो बेडरूम मिलेगा अटैच्ड वाशरूम के साथ में। एक बेडरूम ये है बालकनी के साथ में, दूसरा बेडरूम भी यहाँ पे है बालकनी के साथ में। इस बेडरूम में जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी देखें तो कंप्लीट काम किया जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये कम्प्लीटली इंटीरियर वर्क हो जाएगा तो कितना बेहतरीन ये विला बन करके निकलेगा। आपके सपनों का महल ये हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो बिना देर किए हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें, साइट विजिट का प्लान करें और ज़रूर आकर के समझें इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। दिस इज़ द वाशरूम। वाशरूम रूम इज़ वेरी मच स्पेशियस विद वेंटिलेशन। आप ड्रेसिंग एरिया भी देख रहे हैं, ड्रेसिंग एरिया भी काफ़ी वेंटिलेटेड है। टीवी कैबिनेट्स, ये सारे वो पार्ट्स हैं जो आपको हैंडओवर एज इट इज़ कंडीशन में होगा। साथ में ही बालकनी अगर आप देखें तो काफ़ी वाइड बालकनी है। एंड ये बाहर का रोड आ जाता है सेक्टर रोड, ये ग्रीन एरिया डेवलप होगा। और ये मेन रोड है आपका जो कि सेक्टर रोड है, यहाँ पे ही जहाँ गार्ड भैया बैठे हैं वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जिट डोर होगा। चलते हैं इस फ्लोर के दूसरे कमरे की तरफ। सो दिस इज आवर थर्ड बेडरूम। यहाँ पे भी आप देखें तो वुडन फ्लोरिंग का काम अभी चल रहा है, साथ ही साथ पूरा इंटीरियर वर्क चल रहा है, फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, टीवी कैबिनेट्स का काम चल रहा है, एज वेल एज बेड का काम चल रहा है। यहाँ पे भी आप देखें तो एक मैसिव साइज का ड्रेसिंग एरिया है जो कि अभी कंप्लीशन के स्टेज पे है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी अगर आप वॉशरूम देखें तो वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। आप देखें अच्छी बात यह है कि टाइल्स वगैरह जो है वो बिल्कुल ऊपर तक का काम किया हुआ है। सबसे अच्छी बात है इसमें जो भी डोर वगैरह लगाए जा रहे हैं लोकल क्वालिटी का नहीं लगाया जा रहा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगाया जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं, ये देखिए आप टीवी कैबिनेट्स भी बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में बनाया जा रहा है। एंड इसके साथ में ही हमारा बालकनी आ जाता है, बालकनी भी एक मैसिव साइज का है। एंड ये सामने पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है प्रोजेक्ट का। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस विला साइज इज दिस इज द टेरेस एरिया, स्मॉल ओपन टेरेस एरिया, टेरेस बालकनी हम इसे बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली टेरेस, टेरेस बालकनी। टेरेस बालकनी इज द राइट वर्ड। यहाँ पे आप झूले वगैरह लगा सकते हैं या गार्डनिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। टेरेस आप अभी इसके ऊपर देखेंगे। एंड ये जो सामने एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी मिट्टी का ढेर है, वो एरिया होने के लिए प्लांट है। चलते हैं टेरेस पे और देखते हैं टेरेस में किस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी प्लान की गई हैं। सो फ्रॉम दिस वे वी विल मूव टुवर्ड्स टेरेस पार्ट। तो दोस्तों जैसे हम टेरेस पे आ जाते हैं यहाँ पे एक और छोटा सा एरिया आपको मिल जाता है जो कि स्टोरेज काइंड ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्टोरेज काइंड ऑफ या किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द टेरेस वी हैव जस्ट एंटर्ड। आप देखें यहाँ टेरेस जो है वो काफ़ी मैसिव साइज का है। इस टेरेस को एक्सपेंडेबल टेरेस भी कहते हैं। अगर आप इस पार्ट को कवर करना चाहते हैं तो आप कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली G+15 इज़ द हाइट जिसको आप कम्प्लीटली डेवलप कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट चेक कि कितना मैसिव साइज का टेरेस है। सो दिस इज द एंट्रेंस पार्ट ऑफ द विला जो अभी हमने चेक किया था। आप यहां से देखिए तो सारे के सारे विलास का टॉप फ्लोर का काम हो चुका है और कंप्लीशन का काम चल रहा है। इसके बाद भी दो रो हैं जिसका टॉप फ्लोर का काम हो चुका है और कंप्लीशन का काम चल रहा है। एंड दिस इज़ द मंदिर टेंपल जो कि सोसाइटी के अंदर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दिस इज़ द एंट्रेंस एंड एग्जिट डोर ऑफ द सोसाइटी
एंड उस कोने पे जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको नीचे से बताया था, वहाँ पे क्लब हाउस होने वाला है और यहाँ पे आपको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप होने वाला है, जो कि बाहर साइड रोड में भी ओपन रहेगा और अंदर वालों के लिए भी ओपन रहेगा। टेरेस के अगर हम दूसरे साइड में जाते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। मैं ये कह सकता हूँ कि टेरेस कम ये एक पार्टी एरिया है। अगर आपके घर में किसी बच्चे का या आपका खुद का एनिवर्सरी का या आपके पेरेंट्स का या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप इस स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एरिया, सेक्टर रोड 51 सेक्टर रोड। और नीचे जो आज आप खुला हुआ एरिया देख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में पूरा ग्रीन डेवलप्ड हो जाएगा, जो कि इस बिल्डर के द्वारा उसको मेंटेन किया जाएगा। आई होप दोस्तों ये विला कॉन्सेप्ट, ये एक्सकॉन प्राइड विला का आपने जो सैंपल फ्लैट देखा, इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल पाई होगी कि किस तरीके का विला यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे 3 साइजेस हैं, लेकिन मैंने जो आपको विला का अभी वीडियो दिखाया है, बताया है, ये 100 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ है, 2250 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, 3 BHK प्लस 4 टॉयलेट के साथ में है, साथ में ही एक्सपेंडेबल टेरेस के साथ में है। इसमें और भी ऐसी कोई जानकारी हो, पिन एंड पॉइंट्स हो, जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, तो हमारे सेल्स टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, वो आपको पिन एंड पॉइंट्स ज़रूर बता पाएंगे और आपका जो सपनों का घर है वो आपको हैंडओवर कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। आइए हमारे साथ, अपने सपनों में हमें हिस्सेदार बनाइए, हम आपके सपने को पूरा करेंगे विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड। रियल्टी रिसर्च की ये कोशिश होती है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, जिसमें आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य होता है। और इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हुए आप लोगों का साथ बना रहे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।